नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी भयंकर बाढ़ बर्बादी, 60 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। असम के होजे जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को ले जा रही एक नाव दोस्तों अभी भी पलट गई है, जिसमें 3 बच्चों की दोस्तों मौत हो गई है, 21 अन्य को बचा लिया गया है। असम और मेघालय में बीते 2 दिन में बाढ़ व भूस्खलन से 185 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। असम के 28 जिलों के करीब 19 लाख लोग प्रभावित हैं, जबकि 1 लाख राहत में है। वहीं दोस्तों, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी भीषण बाढ़ की सूचना है। शहर में महज 6 घंटे में 145 मिलीमीटर बारिश हुई। त्रिपुरा उपचुनाव के लिए प्रचार भी प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी में 1940 के बाद से रिकॉर्ड बारिश हुई है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पिछले 60 वर्षों में अगरतला में यह तीसरी सबसे भयानक बारिश दर्ज की गई है। और दोस्तों, यहाँ पर सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बाढ़ में मारे गए लोगों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। असम के 3,000 गांव में दोस्तों भयंकर बाढ़ बर्बादी है। इस समय दोस्तों तबाही मच रही है। आपको बता दें दोस्तों, असम में करीब 3,000 गांव में बाढ़ आ गई है। 43,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पानी में डूब गई है। कई तटबंध, पुलिया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। असम के होजे जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को ले जा रही एक नाव भी डूब गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा से फोन पर बात की है और दोस्तों बाढ़ की स्थिति के बारे में जाना है। केंद्र सरकार से हर संभव दोस्तों इन राज्यों को मदद दी जा रही है। इस समय दोस्तों मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है। अलग अलग इलाकों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। उधर दोस्तों बिहार के अंदर गंगा में भी भारी पानी आया है, जिसकी वजह से गंगा उफान पर आ सकती है। कोसी, घाघरा नदी पहले से ही उफान पर चल रही है। कई नदियां और हैं जो उफान पर चल रही है। आपसे विनती है कि भारी बारिश, आंधी तूफान के चलते आप घरों से बाहर ना निकलें। वर्तमान में आपके जिले का मौसम कैसा है कॉमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मौसम की पूरी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।